देखिए स्टार्ट करता हूं। मैंने आपको बताया था कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की रिसोर्स आपको निकालना होता है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की रिसोर्स का मीनिंग मैंने आपको क्या लिखवाया था, कितना कंट्रीब्यूशन अर्न करोगे की फैक्टर की एक यूनिट के कंजम्पशन से। देखिएगा, लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए, मान लीजिए आपको दे रखी है 20 रुपए, और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए ये आपको दे रखी है 8 रुपए, फिर आपको दे रखा है रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में आपका जो रॉ मटेरियल लगता है वो 4 केजी के बराबर लगता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए 20 रुपए दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए 8 रुपए दे रखी है, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट आपको मैंने दे रखा है 4 केजी। नाउ मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल इफ रॉ मटेरियल इज की फैक्टर, इस की फैक्टर। मुझे कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल निकालना है कि अगर जो रॉ मटेरियल है मेरा वो क्या है, की फैक्टर है। तो देखना बिल्कुल ध्यान से, मैंने क्या किया, सबसे पहले लिया बहुत ध्यान से चीज को समझना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बताइए अगर मैं एक प्रोडक्ट ए बनाता हूं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या कमाऊंगा, 20 माइनस 8 यानी मैं 12 रुपए पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन कमाऊंगा। एग्री? हाँ, अब मेरी बात को सुनना, अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं वो चीज देखो। मैंने आपको क्या बोला कि मुझे कंट्रीब्यूशन निकालना है हर एक यूनिट रिसोर्स कंजम्पशन से, यानी वी कैन से इफ वी कंज्यूम 4 केजी रॉ मटेरियल देन वी कैन अर्न ₹12। क्या मैं ये बोल सकता हूं? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला एक यूनिट को बनाने में 4 केजी रॉ मटेरियल लगेगा, और जब उस यूनिट को बेचूंगा तो 12 रुपए कमाऊंगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जब मैंने मटेरियल का 4 केजी कंज्यूम किया होगा तो मुझे 12 रुपए मिले होंगे। तो
अगर मैं आपसे पूछूं कंट्रीब्यूशन पर केजी कितना हुआ, तो आप क्या बोलोगे? 12 कमाएंगे 4 केजी का कंजम्पशन कर, तो दैट मींस ₹3 पर केजी का कंट्रीब्यूशन आएगा, ₹3 पर केजी। बोलिए क्या मेरी ये बात समझ आ गई सबको? पर केजी। और एक्सप्लेन करते हैं और अच्छी तरीके से, हम वापस एग्जांपल्स के द्वारा छोटी छोटी बातों को सीखेंगे। देखिएगा, एग्जांपल, पीछे करूं वापस, ये लो, लीजिएगा, सुनना मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से। सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स ₹25 है, ठीक है? प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है, क्या हो गया भाई, अभी तक नहीं लिखा क्या? इतनी छोटा सा एग्जांपल है और आंसर जल्दी लिखो। आइए, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स 25, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स 10, लेबर आवर्स रिक्वायर्ड 1 यूनिट, लेबर आर रिक्वायर्ड पर यूनिट 3 आवर्स, 1 यूनिट को बनाने में 3 आवर्स लगेंगे, कैलकुलेट कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर इफ लेबर इज की फैक्टर, इफ लेबर इज की फैक्टर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आइए, सबसे पहले मुझे बताइए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना कमाओगे आप, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना कमाओगे आप? तो आप बोलोगे ₹25 कमाएंगे और ₹10 की कॉस्ट लगेगी, इसका मतलब हम ₹15 पर यूनिट कमाएंगे, ठीक है? बिल्कुल, हम ₹15 पर यूनिट कमाएंगे। नाउ क्या मैं ये कह सकता हूं, वी कैन से दैट वी कैन अर्न ₹15 बाय कंज्यूमिंग 3 लेबर आवर्स। बोलिए क्या मेरी ये बात समझ आ गई? मैं 1 यूनिट से ₹15 कमाऊंगा, जो चीज की फैक्टर है उसके हिसाब से सोचना है।
अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं, ये 15 रुपए कमाने के लिए मुझे 3 लेबर आवर्स कंज्यूम करने पड़ेंगे। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि मुझे ये बताओ कि पर आर पर मैं क्या कमाऊंगा। हेंस कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर, 15 कमाऊंगा 3 आवर्स को कंज्यूम करके, तो मैं बोलूंगा ₹5 पर आर मैं कमा लूंगा। बताइए क्या अब आपको मेरी वो डेफिनेशन समझ आ गई कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ स्केयर रिसोर्स का मतलब क्या था? कितना कंट्रीब्यूशन कमाऊंगा उस रिसोर्स की हर एक यूनिट को कंज्यूम करके, कितना कमाऊंगा उस रिसोर्स की हर एक यूनिट को कंज्यूम करके। तो मुझे बताओ क्या इससे एक फॉर्मूला बन गया? आओ ये कर लिया सबने। लिखेंगे हेंस वी कैन से दैट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की रिसोर्स, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की रिसोर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला बन गया। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय की रिसोर्स, डिवाइडेड बाय की रिसोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, की रिसोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट। लीजिए मैंने एक फॉर्मूला बना दिया कि अगर मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की रिसोर्स निकालना है तो मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड कर दूंगा की रिसोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट से। लिखेंगे वेरियस की रिसोर्सेस एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन पर की रिसोर्स आर एज अंडर। अब क्या क्या सिचुएशन आपको एग्जाम में दे सकते हैं हम उन सारी की रिसोर्सेस पर बात करेंगे। वेरियस की रिसोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन पर की रिसोर्स क्या हो सकता है। तो आप दो कॉलम बनाएंगे, पेज के बीच में लाइन खींच लीजिए, इधर तो लिखोगे की रिसोर्स का नाम, की रिसोर्स का नाम, और यहां उसका डिसीजन या कॉन्ट्रीब्यूशन।
कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिस। पहला की रिसोर्स रॉ मटेरियल इन क्वांटिटी इज की फैक्टर अगर हमें यह दे दिया जाए कि इतने केजी रॉ मटेरियल या इतनी यूनिट रॉ मटेरियल हमारा की फैक्टर है तो हमारा जो डिसीजन होगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल और इसको निकालोगे कैसे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा और इससे आप क्या निकाल लोगे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल कंप्यूट कर लोगे। क्लियर है बिल्कुल यहां तक सबको समझ आ रहा है। लिख लिया आगे बढ़ूं सेकंड पॉइंट इफ रॉ मटेरियल इन वैल्यू इज की फैक्टर अब क्वेश्चन में रॉ मटेरियल इन वैल्यू हमें की फैक्टर दिया हुआ है व्हाट डज इट मीन कंपनी ये बोल रही है कि अकॉर्डिंग टू द बजट हमारे पास रॉ मटेरियल पर खर्च करने के लिए केवल 20,000 रुपए हैं यानी रॉ मटेरियल वैल्यू में इस बार की फैक्टर है क्वांटिटी पर की फैक्टर नहीं है की फैक्टर है कि हम अपनी मटेरियल पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम इतना ही पैसा खर्च कर सकते हैं बस तो हम निकालेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन पर रूपी ऑफ रॉ मटेरियल व्हाट डज इट मीन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट को मैं डिवाइड किससे करूंगा रॉ मटेरियल कॉस्ट यानी रुपी में पर यूनिट इसको भी मैं आपको समझाता हूं कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड कर देंगे रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट यही समझा देता हूं एग्जांपल देखिएगा सेलिंग प्राइस दे रखी है ₹18 वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है ₹8 लिखें वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड रॉ मटेरियल कॉस्ट
एट द रेट 50%, दैट इज ₹4 पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने में टोटल वेरिएबल कॉस्ट 8 लगती है, जिसमें से ₹4 मटेरियल का खर्चा होता है। कैलकुलेट कॉन्ट्रीब्यूशन पर, कैलकुलेट कॉन्ट्रीब्यूशन पर रूपी ऑफ रॉ मटेरियल इफ रॉ मटेरियल इन वैल्यू इज की फैक्टर। क्वेश्चन को समझते चलें बिल्कुल ध्यान से। अब की बार रॉ मटेरियल क्वांटिटी में मेरे पास लिमिटेड नहीं है, मेरे पास रॉ मटेरियल की जो वैल्यू है ना वो वैल्यू लिमिटेड है। रॉ मटेरियल की जो वैल्यू है वो वैल्यू लिमिटेड है। चलिएगा, कुछ भी नहीं करना है, तरीका वही रहेगा। मुझे बताइए मैं पर यूनिट से क्या कमा रहा हूं। मैं पर यूनिट से क्या कमा रहा हूं? ₹10। वेरी गुड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ₹10 कमाने के लिए कितने रुपए का मटेरियल खर्च करना पड़ेगा? ₹10 कमाने के लिए कितने रुपए का रॉ मटेरियल खर्च करना पड़ेगा? ₹4 का। तो बताओ हर ₹1 पर क्या कमाऊंगा? तो मैं क्या बोलूंगा, ₹2.50 पर रूपी ऑफ रॉ मटेरियल, ये मेरा डिसीजन बनेगा। बात समझ आ रही है? मैं ₹10 कमाऊंगा, लेकिन इस ₹10 को कमाने के लिए मुझे ₹4 का मटेरियल खर्च करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे ₹2.5 मिलेंगे हर ₹1 को खर्च करने पर, और वही मेरा डिसीजन का बेसिस बनेगा। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं कि जब रॉ मटेरियल इन वैल्यू आपका की फैक्टर होगा, तो हम इस तरह से बात करेंगे। चलें आगे, समझ आ रहा है बिल्कुल? चलिएगा, तो आइए नेक्स्ट थर्ड पर बात करते हैं। इफ लेबर आर्स, आर की फैक्टर, लेबर आर्स आर की फैक्टर क्या निकालेंगे? कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आर कैसे निकालूंगा? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लेबर आर्स पर यूनिट। ये लीजिए, फोर्थ, इफ लेबर कॉस्ट इज की फैक्टर, यानी लेबर की रुपी टर्म्स की फैक्टर है, लेबर कॉस्ट इज की फैक्टर, व्हाट डज इट मीन? कि मैं अपने वर्कर्स को ₹15,000 से ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकता, तो लेबर कॉस्ट जो है वो की फैक्टर आ गई। तो क्या निकालना पड़ेगा?
कॉन्ट्रीब्यूशन पर रूपी ऑफ लेबर निकालना पड़ेगा इस बार, कॉन्ट्रीब्यूशन पर रूपी ऑफ लेबर कैसे निकालोगे बताओ। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, बहुत बढ़िया, इसको हम डिवाइड कर देंगे लेबर कॉस्ट पर यूनिट से, तो मेरे पास हर एक रुपए की लेबर का कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, मेरे पास हर एक रुपए की लेबर का कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। आइए पॉइंट नंबर फाइव, इफ मशीन आर्स, आर्क की फैक्टर मशीन आर्स, आर्क की फैक्टर, अब की बार जो लिमिटेशन है वो किसके ऊपर है, वो लिमिटेशन मशीन आर्स को लेकर है, क्या निकालेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन पर मशीन आर, हर एक मशीन आर का कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, दैट मींस कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय मशीन आर्स पर यूनिट, बोलिए क्लियर है। बिल्कुल उसे पॉइंट ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन में क्या की फैक्टर दिया हुआ है और उस की फैक्टर के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे कंप्यूट करोगे। लिख लिया यहां तक, नेक्स्ट लिखेंगे सिक्स्थ पॉइंट, सेल्स यूनिट्स आर की फैक्टर, एक मिनट, सेल्स यूनिट्स आर की फैक्टर, ये लो आइए, सेल यूनिट्स अगर की फैक्टर हैं
तो मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ही चाहिए, इसको किसी से डिवाइड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर सेल यूनिट की फैक्टर है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा कि एक यूनिट को बेचकर मैं क्या कमाऊंगा। तो कंट्रीब्यूशन वही तो होता है कि अगर मैं एक यूनिट बेचूंगा तो मैं क्या कमाऊंगा। तो इसलिए सीधे सीधे मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर ही आंसर ले लूंगा। नेक्स्ट, सेल वैल्यू इज की फैक्टर, सेल वैल्यू इज की फैक्टर, तो इसका डिसीजन होगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के अकॉर्डिंग। इसके लिए आप पीवी रेशियो निकालोगे। अगर वैल्यू की फैक्टर है तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? पीवी रेशियो, दैट मींस कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ये आपके पास 7 वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन में इनमें से कोई भी वो आपको क्या दे सकता है? की फैक्टर दे सकता है। बस एक रूल याद रख लो, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो चीज लिमिटेड दी हुई है उस लिमिटेशन के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन निकालना है कि वो जो रिसोर्स लिमिटेड है उसकी हर एक यूनिट के बदले मैं क्या कमा पाऊंगा, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की रिसोर्स या की फैक्टर हम बोल रहे हैं। तो ये बेसिक ऑब्जेक्ट था की फैक्टर का। अब इस की फैक्टर का यूज करके हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करेंगे? तो उसकी कुछ स्टेप्स लगेंगी जो हमें विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स वगैरह से करनी है, तो वो अभी हो नहीं पाएंगी। तो यहां तक में आप मुझसे पूछ लीजिए कोई भी बात आपको अगर पूछनी है तो।